सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कई बार मन में ऐसी जिज्ञासा होती है जिनका सवाल का जवाब तुरंत माने रखते हैं, जिम्मा में घूमता रहता है, ऐसा हो या ऐसा हो अब कैसा हो, यही आज हम बात कर रहे हैं। ऐसी तीन बातों की आज बात करेंगे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, आपकी जिज्ञासा है और उनसे समाधान, बहुत रोचक होगी आज की बात। शुरू में पहले सवाल की बात करते हैं। कई बार क्या होता है जब आप किसी काम के लिए चलते हैं, घर से निकलते हैं और सामने से बिल्ली चक्कर रास्ता काट जाती है, चौंक जाते हैं, बद्दुआएं देते हैं उस बिल्ली को, अफसोस मनाते हैं अपने पर, क्या हुआ आज, काम होगा या नहीं होगा, रुक जाएं क्या करें या नमोकार मंत्र पढ़ के निकल जाएं, क्योंकि नमोकार मंत्र महामंत्र है। अब करना क्या चाहिए, कई बार अनसुलझा सवाल अपने ही दिमाग से घोड़ कर निकालते हैं, पर हकीकत में क्या है, यह एक तंत्र विद्या होती है। बिल्ली आपके सामने से रास्ता काट जाए, सांप आपके रास्ते से गुजर जाए और कोई खाली बर्तन लेके आपस गुजर जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं होती है। और इसके लिए क्या उपाय बताते हैं, यह हम जानते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर से, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि नमोकार महामंत्र कस कर पाएगा या कोई महामंत्र कर पाएगा, या क्योंकि धर्म का काम पाप से बचाना नहीं होता है और सही काम के लिए कुछ इलाज तो करना होता है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी, बिल्ली सांप खाली बर्तन आदि लेकर के कोई निकलता है तो एक तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी बन जाती है, यानी आप वहाँ से अभी तक मन में डर तो बैठा, तो पार तो कर गए, लेकिन आपके मन में दुख 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 कुछ है तो सही, तभी तो प्रश्न किया। यदि आप नहीं मानते तो प्रश्न नहीं करते, हम मानते ही नहीं हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी चीज़ों से मन में थोड़ी सी धारणा गलत में, और काकतारी न्याय से आगे जाके कुछ हो जाता तो फिर पूरे परिवार वाले क्या कहते, तो मानते तो हो ही नहीं। इसलिए तो उसमें एक ही रहता है कि दो मिनट के लिए रुक करके जब ऐसे सगुन आवे, वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाए जिसने उस चीज़ को नहीं देखा है। सपोज कीजिए आपका गाड़ी आ रही है और बिल्ली या सांप ने रास्ता काटा, आप दो मिनट रुक जाइए, दूसरी जो गाड़ी आई उसने देखा नहीं उसको, उसको निकल जाने दीजिए, और वो निकलने के बाद फिर आप चले जाओगे तो वो शगुन के रूप में खंडित माना जाता है, यह इसका अल्टरनेट काट है। बिल्ली रास्ता काट जाए समझ लिया आपने, थोड़ी देर रुक जाएं और किसी दूसरे अनजान को जाने दें तभी निकल जाएं, एक बहुत कामयाब फार्मूला बताया आज मुनि पुंगव सागर जी ने। अब एक बात और आती है, आजकल हमारा जमाना बहुत फास्ट हो गया, स्लो नहीं चलते, हर कोई भागम भाग भागम भाग, अब रसोई का खाना पसंद आता, किचन की किचकिच भी पसंद आती, अब तो फूड भी फास्ट हो गया है, यानी तेज फूस्ट, और ये आता है हमारे हमारे यहाँ घरों में नहीं बनता, ये बड़ी फास्ट तरीके से आता है, चाइना से आया है, मेड इन चाइना, हम कहते हैं भारत बोलो, ये चाइना का सामान यहाँ आके हमारे पेट को भी क्या कर रहा है। क्या फास्ट फूड लेना चाहिए, जी हाँ, किस लिए लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए, यह खुलासा कर रहे हैं मुनि पुंगव सुधा सागर जी। फास्ट फूड है चाइना आदि से जो प्रोसेस निकलती है, ये समस्त इंद्रियों के घातक हैं। जितना फास्ट फूड खाने वाला व्यक्ति है, दो पाँच साल यदि वो रेगुलर खाता रहे तो आंखें तो जाएंगी, कान भी जाएंगे, सोचने की क्षमता जाएगी, शरीर की शक्ति हीन हो जाएगा, और ऐसा शक्ति हीन हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि फास्ट फूड जितने भी हैं उनमें ऐसा जहर डाला जा रहा है, ऐसी परिणति बनाई जा रही है, और चाइना से जितनी भी खाने वाली वस्तुएं प्रोडक्ट होती हैं वे सब नकली नुकसानदायक होती है, वो केमिकल से बनती हैं, ओरिजिनलिटी तो उसमें है ही नहीं। इससे जिन व्यक्तियों को जल्दी अपने इंद्रियों का हरास करना है वे फास्ट फूड खावें, और नहीं करना है तो भूखे रह जाओ लेकिन फास्ट फूड मत खाओ। उपवास करने से कोई व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा, एक टाइम नहीं खाओगे, लेकिन ये जितने भी फास्ट फूड हैं ये सब खाने के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोग भी आज इनके लिए मना करते हैं। दो सवालों की जिज्ञासा मिल गई ना, गांठ बांध कर रख लीजिए, मन मस्तिष्क में समाहित कर लीजिएगा। अब तीसरी बात करते हैं आजकल अपने परिवारों की,
माँ बाप के साथ कोई रहना नहीं चाहता, कोई कहता है आने वाली बहू का दोष है, कोई नौजवान होते हुए बेटे को दोष देता है। हमारी हिंदू फैमिली जो कहते हैं अनडिवाइडेड फैमिली होती है, हमारी आज एकल फैमिली होने लगी है, सिंगल फैमिली होने लगी है कि बाप बेटा बच्चे हो तो ठीक, नहीं तो हम वैसे ही अच्छे। हम तो कहते हैं वैसे दो या तीन नहीं, अब तीन बच्चे होते हैं जैनी घर में अच्छे। पर ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है और कब तक चलेगा ऐसा सिलसिला कि हम बटे बटे रहेंगे, बटते बटते जाएंगे, बताते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। एक व्यक्ति पहले विचार करता है और एक व्यक्ति ठोकर खा के विचार करता है। अभी ये जितने अलग हो रहे एकल व्यवहार है, ये 50 साल तक ज़्यादा पहले एकल फैमिली नहीं थी। अभी कब से चली, मुश्किल से 25 साल 25-26 साल और चलेंगे। जैसे ये दादा दादी बनेंगे सो इनको याद आएगा, तो फिर लौट के बेटे से कहें बेटा अलग मत होना, क्योंकि कुछ लोग ठोकर खा गए। जब वो स्वयं दादा दादी बनेंगे उस समय जब उनका पोता बाहर जाएगा या बेटा बाहर जाएगा, उस समय उनको याद आएगा और उस समय सुधरेंगे। आज का युग समझाने से कम सुधरता है, ठोकर खा के ज़्यादा सुधरता है।